मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान हुई हवाई फायरिंग में अधिवक्ता को लगी गोली, इलाज के दौरान मौत। अधिवक्ता को गंभीर हालत में उरसला हॉस्पिटल में कराया गया था भर्ती। शताब्दी गेट के बाहर चुनाव निरस्त होने के बाद अधिवक्ता कर रहे थे लाइसेंसी असलहों से हवाई फायरिंग। उसी दौरान अधिवक्ता गौतम को लगी गोली, जहां इलाज के दौरान हुई मौत। कई थानों की फोर्स और आला अधिकारी पहुंचे उरसला हॉस्पिटल। आपको बताते चलें कि कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव रद्द होने के बाद गोली चलने से एक अधिवक्ता गौतम दत्ता घायल हो गए। कचहरी परिसर में हुई घटना के बाद घायल अधिवक्ता को तुरंत उरसला अस्पताल भेजा गया, जहां से इलाज के लिए उन्हें हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण सहित अधिकारियों ने मौके पर मामले की छानबीन की। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के मुताबिक मौके से 315 बोर का खोखा बरामद हुआ है। पुलिस का मानना है कि मतदान और इस गोलीकांड का आपस में कोई संबंध अभी तक सामने नहीं आया है। गोली चलाने वालों के नाम औपचारिक रूप से सामने आ रहे हैं। तहरीर मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के लिए सभी लोग समान हैं। अपराध करने वाला कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में दोबारा होने वाले मतदान के लिए एल्डर्स कमेटी के साथ बैठक करके आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। कानपुर से संवाददाता किशोर मोहन गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंत्री जी, क्या घटना हुई है, कौन-कौन घायल हुआ, ये बताइए। जहाँ पे गोली चलने की सूचना आई, जिसमें मैं यहाँ आया हूँ, गौतम दत्ता हमारे दत्ता साथी हैं, उनके पेट में गोली लगी हुई है, गेट नंबर 3 पे, यहीं पे। तो वो इस समय उरसला में भर्ती हैं। मतलब ये चुनाव के दौरान लगी? ये शाम को 7 बजे के आसपास घटना है। चुनाव हो चुका था और हमारे यहाँ रिपोल का एडर कमेटी निर्णय लिया था, उसके बाद ये 7 बजे घटना है। वो एडर कमेटी और वगैरह दत्ता यहाँ से जा चुके थे। नहीं, ये अधिवक्ता नहीं है कोई, ये पता लगा कोई बाहरी लोग थे। अब ये कैसे गोली लगी, क्या है, ये तो सीसीटीवी फुटेज तक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दो तरफ कैमरे हैं, तो उसके बाद ही घटना का पर्दाफाश और खुलासा हो जाएगा। बात करती है कि सजा मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल, दोषियों चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे वो ना हो, दोषियों को सजा हमेशा मिलनी चाहिए। ये महामंत्री हैं, जो घटना हुई है क्या हुआ है, पुलिस क्या कार्रवाई जी? आज कानपुर में बार का चुनाव था, जो कि चुनाव कुछ विवादों के कारण रोका गया और उसके बाद में इसको दोबारा करने का निर्णय एल्डर्स कमेटी, जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं की समिति आयोजित कराती है, उन्होंने लिया। ये निर्णय लगभग 5 बजे के आसपास हुआ और करीब 7-7:30 बजे घटना यहाँ पे हुई। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, एक माननीय अधिवक्ता हैं, उनके पेट में गोली लगी है और मौके से एक 315 का कारतूस भी अभी पुलिस ने रिकवर किया है। इलाज उनका कराया जा रहा है हैलेट हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स देख रहे हैं। यहाँ पे मौके पे जो अभी तक जानकारी हम लोग को आ रही है कि जो इलेक्शन अंदर हो रहा था, उससे कोई सीधा संपर्क इस बात का अभी तक नहीं मिला है, अभी तक कोई तहरीर भी प्राप्त नहीं हुई। जैसे इसकी शिकायत प्राप्त होती है, जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। घायल बताया किसने मारा गोली, पता होगा जी? ये बयान अभी कुछ चश्मदीद गवाह हम लोग को मिले हैं, जो मजरूब हैं उनसे भी बातचीत हो रही है और जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल यहाँ पर शांति है, लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या नहीं है और पुनः जब चुनाव कराया जाएगा तो इस बार और ज़्यादा नियमों का पालन कराया जाएगा। इस बार जो चुनाव हैं, जैसे हमारी जानकारी है कि इसमें यह व्यवस्था थी कि एल्डर्स कमेटी और अधिवक्ताओं द्वारा स्वयं ही कचहरी के अंदर की व्यवस्था की गई थी। सो दिन की व्यवस्था में कुछ अव्यवस्था हुई है, जिसकी वजह से रीपोल का निर्णय लिया गया और शाम की ये घटना है, जो कि अभी क्लियर नहीं है कि उसकी वजह से है या कोई और कारण है। बट जो भी हो, दोनों ही परिस्थिति में हमको दोबारा जब रीपोल होगा या रीइलेक्शन का बोले, तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था करनी होगी जिसमें कि ऐसी चीज़ ना हो। सर, हर अधिवक्ता कह रहा है कि जो दोषी हैं उनसे कड़ी कार्रवाई, लेकिन इसके पहले भी जो चुनाव होते रहे हैं उसमें भी इस तरह की हिंसक घटनाएं होती थी, तो क्या इस मतलब कोई रिपोर्ट भेजेगी शासन को या कड़ी कार्रवाई किस तरह से करेगी? नियम सबके लिए बराबर हैं और कचहरी में जहाँ जो न्याय का मंदिर है, वहाँ तो नियमों को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा।
जिसने ये गोली मारी है उनके नाम हम लोग को अभी अनौपचारिक रूप से प्राप्त हुए हैं। जैसे ही हमें तहरीर प्राप्त होती है हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी को बख्शने की बात, क्योंकि वो लॉयर है या नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता। कानून सबके लिए बराबर है और वैसे ही कार्रवाई होगी। सर, आपसे कुछ अधिवक्ता भी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ बाहरी आउटसाइडर जो वकील नहीं है तो उनके ऊपर किस तरह से नकेल कसी जाएगी? जो आज का चुनाव था इसमें एक्सेस कंट्रोल जो है वो बार द्वारा ही किया गया था, जो कि हमने पहले भी सुझाव दिया था कि जो जैसे किसी भी चुनाव में होता है लोग आते हैं, वोट देते हैं और चले जाते हैं, भीड़ नहीं लगना चाहिए। किंतु यहाँ पे भीड़ रही है, पिछले सालों में भी रही है। अब इसके बारे में पुनर्विचार किया जाएगा। जिस प्रकार और चुनाव होते हैं उसी तरीके से पूरे व्यवस्था के साथ बिना भीड़ के चुनाव होगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। सर, आज कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद कोर्ट परिसर में एक गोली चलने की घटना हुई, जिसमें कि एक अधिवक्ता श्री गौतम दत्त की को घायल हुए और अस्पताल में इलाज के बाद उनकी वहां पर मृत्यु हुई। इस संबंध में उनके परिवार से एक FIR प्राप्त हुई है जो कि मर्डर और SC/ST एक्ट के आरोप से संबंधित है। FIR दर्ज की गई है और उसकी विवेचना की जा रही है। अभी तक की विवेचना में यह पाया गया है कि गौतम दत्त और जो आरोपी हैं तरु अग्रवाल और उसके अन्य साथी, ये एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। कोर्ट परिसर में इनके पत्रक और पोस्टर पाए गए हैं जो एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए हैं। जो आरोपी है तरु अग्रवाल उसको अभी अभी गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ जारी है और जिस प्रकार आगे सबूत मिलते हैं उस प्रकार इसमें कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट परिसर में पूरी तरीके से शांति है। मेरी अपील है सभी अधिवक्ताओं से कि विवेचना में सहयोग करें। हमने कैमरे में देखा है कि 15 से 20 लोगों ने घटना को देखा है और मेरा अनुरोध है कि आगे आएं चश्मदीद साक्ष्य दें, जिससे कि सही बात पूरी निकल के आए और उसी के मुताबिक कार्रवाई हो।